हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी के एन इन फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे विंडो 11 में कंप्यूटर स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के। इसके लिए हम एक्सबॉक्स गेम बार रिकॉर्डर को यूज करेंगे, बट यहां पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, हम नॉर्मल कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको या तो वीडियो गेम प्ले करनी होगी या अपना गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करना होगा वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमें एक्सबॉक्स गेम बार ओपन करना होगा। एक्सबॉक्स गेम बार ओपन करने के लिए हम इसे सर्च कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड से विंडो प्लस जी की को प्रेस करके भी इस विंडो को ओपन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमें अपने स्पीकर और हैंडसेट की वॉल्यूम को एडजस्ट करना है। जितनी हमें अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपनी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम एडजस्ट करने के बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करते ही हमें यहाँ मैसेज होता है, गेमिंग फीचर आर नॉट अवेलेबल फॉर विंडो डेस्कटॉप और फाइल एक्स। आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए या तो वीडियो गेम प्ले करनी होगी या गूगल क्रोम को यूज करना होगा। सो हम यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। हमने गूगल क्रोम में google.com ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम ओपन करते हैं एक्सबॉक्स रिकॉर्डर। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम यहाँ पे विंडो प्लस जी को ओपन करते हैं और यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ही हमारे यहाँ काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम एक छोटा सा सैंपल रिकॉर्डिंग 20 सेकंड की बनाते हैं, जिससे हमें शो हो जाएगा कि हमारी रिकॉर्डिंग कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पर हम नॉर्मली क्रोम में कुछ सर्च करते हैं, एक्सबॉक्स गेम बार सर्च करते हैं। यहाँ मैंने एक्सबॉक्स गेम बार सर्च किया। हमारी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चल रही है। अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं और हमारी रिकॉर्डिंग है जो हमारे सिस्टम में सेव हो चुकी है। हम चेक करते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग कहां सेव हुई है। हमें ओपन करना है विंडो कैप्चर, यहां हमारी रिकॉर्डिंग शो हो जाएगी। हम अपनी रिकॉर्डिंग को प्ले करके चेक करते हैं ये बिल्कुल ओके हुई है या नहीं हुई है। हमारी यहाँ रिकॉर्डिंग प्ले हो चुकी है। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर से हमारी रिकॉर्डिंग वर्क कर रही है। अब हमारी रिकॉर्डिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। If you want to see another video, don't forget to subscribe our YouTube channel for more tutorial like this and comment below if you have any question. I will see you in another video. Have a great day. Bye everyone.